तो रहे सेब अभी तो कच्चे हैं, हल्के बहुत पके हैं। थोड़ी देर पहले काफी बारिश हो रही थी, फिलहाल ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो, सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने नीचे। तो दोस्तों मैं भी एकदम मस्त हूँ, आ गया हूँ फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है, निस्सू ब्लॉग उत्तराखंडी। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। तो मौसम भी यहाँ का आज तो वैसी है, मतलब बारिश वाला है। 2-3 दिनों से फिलहाल यहाँ बारिश ही हो रही है, अब तो पहाड़ों में यही हुआ बारिश बारिश। तो आज सुबह सुबह भाई भी चले गए हल्द्वानी, अब स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो अब तो 2-3 दिन जो बचे हैं तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो हल्द्वानी चले गया, तो उसको दीदी पहुँचाने गई है हल्द्वानी। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसे हो रखा है, बादल बादल पूरे, एक भी धूप नहीं है सुबह से। तो बारिश के बाद तो और तो खूबसूरत लगते हैं पहाड़, आपको तो पता ही है। ये देख सकते हैं हरियाली हरियाली। तो मैं सुबह आपको नहीं दिखा पाई जाते टाइम, क्योंकि फटाफट से जल्दीबाजी में गई ना यहाँ से, क्योंकि हमको भराड़ी से दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है, मतलब हल्द्वानी के लिए। तब तो आई होप नाश्ता हो गया होगा आपका भी, मेरा तो उसी टाइम हो गया था, भाई के साथ ही कर लिया था सबने। तो अब मम्मी लोग भी घास आस चले गए हैं, तो मैं भी कुछ काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों सुबह कैसा मौसम था, और अभी तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बादल भी हैं तो धूप भी है, बहुत ही तेज की धूप लगी है। तो मैं अब तो खाना बना रही हूँ, मम्मी लोग क्योंकि खेत गए हैं, मैंने बताया था मुड़वा घुड़ने फिर से, मतलब छोटा छोटा हुआ था तो अब थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसमें से घास वगैरह निकालना है फिर से। तो वहीं गई हैं दीदी और मम्मी, तो मैं घर में खाना वाना बना रही हूँ। तो ये देख सकते हैं धूप। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर धार में आई हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ का मौसम। थोड़ी देर पहले काफ़ी बारिश हो रही थी, फिलहाल ठीक है। और ये ले जा रहे हैं पाइप दीप और नीतू लटपोड़ा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं लटपोड़ा, मैं और नीतू दीपू पाइप पहुँचाने, दिखा दिया आपको मैं। ये नीतू ले जा रही है, इतने मोटे मोटे पाइप ले जा रहे हैं हम, और यहाँ पर बैठ के नेट चला रहा। तो दोस्तों हम लटपोड़ा पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर एक पहाड़ी सेब का भी पेड़ है, हम सेब खा रहे हैं। तो ये रहे सेब, अभी तो कच्चे हैं, हल्के बहुत पके हैं। ये रहा सेब का पेड़, ये देख सकते हैं पहाड़ी सेब बहुत ही टेस्टी होते हैं, मीठे मीठे, फिलहाल तो नहीं पके हैं, अभी कच्चे हैं हरे। तो गर्मी से हालत खराब हो रही, तो मुंह धो लिया मैंने। सो गाइज, अब हम यहाँ से जा रहे हैं पाइप पहुँचा के, तो अब हम यहाँ से सीधा ताई के घर पे जाएंगे, क्योंकि मेरी ताई भी रहती है यहाँ लटपोड़ा, तो हम वहीं पे जाएंगे। भूख भी लगी है, कुछ होगा तो खाएंगे, वरना घर को जाएंगे मम्मी लोगों के साथ, क्योंकि मम्मी लोग भी सुबह यहाँ घास आए थे, तो हम उनको ही रुकेंगे, मम्मी के साथ साथ जाएंगे हम तीनों। तो ये पाइप पहुँचाते पहुँचाते ऐसी हालत ख़राब हो गई है ऊपर को, इतने मोटे मोटे पाइप, और सबसे ज़्यादा तो जोंग नहीं हालत ख़राब कर दी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जोंक लगते हैं, छी उल्टी जैसी भी होती है जोंक देख के। तो ये रहा मेरी ताई का घर। तो ऊपर लटपोड़ा गांव में ऐसा मौसम हो रखा है, देख सकते हैं पूरा कोहरा ही कोहरा लगा है, घर भी नहीं दिख रहे। तो मैं ताई के घर से लकड़ी ले जा रही हूँ, तो वीडियो मेरी पागल पंती। तो दोस्तों आगे हैं थक हार के घर को, तो खाना भी खा लिया है मैंने, भूख भी लग गई थी बहुत ज़्यादा, 1 बज चुके हैं, तो आई होप आपका भी हो गया होगा खाना। तो पहाड़ में बारिश भी हो रही है, तो तब भी गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही, अभी भी हल्का बूंदाबांदी बारिश होने लगी, वहाँ तो नहीं हुई थी फिलहाल जब हम गए थे, तो मतलब ऐसे ही बादल आदल थे, बस बारिश बस अभी हो रही है, मतलब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये देख सकते हैं मौसम, तो अब इस टाइम तो यहाँ बारिश ही बारिश होती है, तो रोड ब्लॉक भी होने लगी है यहाँ, और मतलब कहीं कहीं पे तो पहाड़ भी गिरते हैं, गांव में तो नहीं हुआ ऐसा, मतलब गांव के ऊपर साइड ऐसा हो रखा है, तो ऊपर गांव में भी हो रखा है ऐसा, मतलब पत्थर वगैरह गिरना, तो रोड ब्लॉक हुए थे 2-3 दिनों से, मतलब तो फिलहाल तो सही कर दिए हैं, तो ज़्यादा होगी तो उसके बाद तो टाइम ही लगेगा, क्योंकि हाँ ब्लॉक हो ही जाती है रोड बारिश की वजह से, ऐसी खतरनाक बारिश लगती है ना रात में तो खतरनाक। दोस्तों हम जा रहे हैं दुकान में मोमोज खाने, फिलहाल अभी रोड में पहुंचे हैं।
तो यहाँ पर मम्मी लोग मुड़वा घोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम दुकान से घर जा रहे हैं, तो हमने यही नहीं खाया, हम पैक करा के ले जा रहे हैं। तो मोमोज नहीं थे तो हम यहाँ से समोसा और चाउमीन ले जा रहे हैं, दिया, मैं, नीतू। ये रहे हमारे समोसे और चाउमीन, और नीतू और दिया।